हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास 8 अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट टॉपिक आप पढ़िया सीगा, जिंदे विच आप पढ़िया सीगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज दे बारे, जिंदा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच है, उत्थों तुसी सारी वीडियोस देख सकते हो। क्लास 7 दे विच आप पढ़िया सीगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की हुंदा सी अपने कोल, आपां किसे ना किसे कोलो कुछ अमाउंट उधार ली, P4 प्रिंसिपल। आपां किसे कोलो कुछ पैसे उधार लाए जिन्हों की क्या है प्रिंसिपल, किसी ना किसी रेट दे ऊपर, R%, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 100 दे पिछे अपन किन्ने रुपीस ज्यादा देने पैणगे। मान लो अपन 2% इंटरेस्ट है, 2% का मतलब की है 100 रुपए दे पिछे अपन 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पैणगे। ओके, उस तो बाद टीसी, टी का मीनिंग की सीगा टाइम, किन्ने रूप टाइम लिए आप पैसे उधार लाए। ठीक है, तो आप क्लास 7 के जो फॉर्मूला पढ़िया सी SI, एस आई मीनस सिंपल इंटरस्ट, एस आई का मीनिंग की है सिंपल इंटरस्ट। ओके, तो फॉर्मूला की सी एस आई इज इक्वल टू प्रिंसीपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय की हों 100, यही फॉर्मूला से अपने को। उस तो बाद आप टोटल अमाउंट, मतलब जब मैं 100 रुपया लिया किसी को तो मैं वापस किन्ने करने पैणगे, मैं मान लो 110 रुपए वापस करने पे, सो दैट इज टोटल अमाउंट। अमाउंट की हों प्रिंसीपल प्लस सिंपल इंटरस्ट, आप ये चीज पढ़ी सी क्लास 7 दे विच। ओके, हुण 8th क्लास दे विच अपने को न्यू टॉपिक आया है जिंदा नेम की है कंपाउंड इंटरस्ट। प्रिंसिपल भी अपने को ही है, रेट भी उस तरीके नाल लिखांगे, टाइम भी उस तरीके नाल लिखांगे। इत्थे अपने को न्यू आ गया CI, CI मीनस कंपाउंड कंपाउंड इंटरस्ट। CI, CI का फॉर्मूला की होंगे अपने को, CI कढ़ने तो पहला आप कढ़ते हैं A मीनस अमाउंट, किन्ने रुपीज आप वापिस करने पैणगे, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 पावर की होंगे T, दैट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट। अमाउंट कैलकुलेट करने का ही फॉर्मूला है। उस तो बाद CI किवें कैलकुलेट किया जाता है, CI कैलकुलेट किया जाता है A - P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल टू सिंपल इंटरस्ट। कंपाउंड से सिंपल विच डिफरेंस की है, देखो सिंपल विच जिहड़ा प्रिंसिपल की है हर साल चेंज रहिंदा है। मान लो मैं 1000 रुपीज लए किसी को 5 सालों लिए, ठीक है, हर साल की रहेगा जिहड़ा प्रिंसिपल है वह सेम रहेगा, यह कदे भी चेंज नहीं होएगा। पर जे यही मैं 1000 रुपए लए 5 सालों लिए कहते इंटरस्ट उपर कंपाउंड के उपर, तो हर साल मेरा जिहड़ा प्रिंसिपल है वह की होएगा, चेंज होएगा, इनक्रीज होएगा हर साल। ओके, कंपाउंड इंटरस्ट दे विच जिहड़ा प्रिंसिपल है चेंज हुंदा, क्यों, क्योंकि ब्याज के उपर ब्याज लगता, इंटरस्ट के उपर फिर इंटरस्ट लगता। ओके, यह डिफरेंस है कंपाउंड इंटरस्ट से सिंपल इंटरस्ट के। आप क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिन्हां नाल तुहानू कि टॉपिक पूरी तरह क्लीयर हो जाए। जिवें 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द फॉर्मूला कैलकुलेट द अमाउंट एंड CI इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हुण आपां अमाउंट कैलकुलेट करनी है, नाले की है CI मीनस कंपाउंड इंटरस्ट कैलकुलेट करना है। जिवें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए पार्ट, प्रिंसिपल गिवन है अपन 1200 रुपीज, उस तो बाद रेट गिवन है 5% पर एनम, टाइम अपने को कितना है, इन्हें एन लिखे आप टी लिखा एन ही लिख लो, 3 ईयर्स। ओके, इनू टी भी कह सकते हो, तुम टी भी कह सकते हो, एन भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। हुण आप पहला अमाउंट कैलकुलेट करांगे, अमाउंट का इक्वल है P इंटू 1 + R/100 पावर की आ गई एन, एन लिख दो या टी लिख दो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो पी कितना है मेरे को 1200 इंटू 1 + रेट कितना है 5 / 100 पावर कितनी है 3। ओके, ये चीज आ गई अपने को। हम देखो तुसी की करना है, जा तो इतने एलसीएम लैके सॉल्व करो, पर जे तुसी एलसीएम नहीं लेना चाहते तो डायरैक्ट 100 दे विच 5 ऐड कर दो। 100 दे विच जदों 5 ऐड किया कितना बन गया 100, 5 / 100 पावर कितनी आ गई 3। आया किवें, देखो रफ विच सॉल्व कर दे, 1 + 5/100 यही चीज़ है, इन्हें डिवाइड च मैं 1 लगाता, 1 लगाता। हुण एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया इन्हां दा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 + 5, सो कितना आ गया 100, 5 / की आ गया 100। इन्ने लंबे प्रोसैस नहीं पैना चाहते तो डायरैक्ट उपर ऐड करके लिख दो, थले 100 किनों की लिखो सेम लिखो। सो देखो कितना बन गया अपने को 1200 इंटू 105/100, 105/100,
105 डिवाइड बाय 100। तीन बार क्यों लिखा, क्योंकि पावर किन्नी है मेरे को 3 है। हम जो कैंसल होंगे कैंसल करो, डबल जीरो ना डबल जीरो की होगी कैंसल होगी। ओके नेक्स्ट मैं कैंसल नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि थले की जीरो है, जीरो डेसीमल लगाने दे विच की होगी हेल्प होगी। हम आप जो कैलकुलेट करिए अमाउंट विच अपने को बच गया 12 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइड बाय की आ गया 100 इंटू 100। हम देखो इन्नी लंबी कैलकुलेशन करना टफ है, ठीक है, इन्नी लंबी कैलकुलेशन करना अपने को की है टफ है। तो मैं आइडिया ना लिख देना मेरा आ गया, मान लो इन्ना आ गया मेरे को, ठीक है, अमाउंट कितनी आ गई 1389.4 रुपीस। वैसे शायद सेम ही आएगी, तुसी कैलकुलेट कर लेनु। ओके कैलकुलेशन तुसी खुद कर सकते हो, इन्नी लंबी कैलकुलेशन करना बोर्ड के उपर की है टफ है। ये अपने को आ गया अमाउंट आ गया। हुण आपां फाइंड करनी है सी आई कंपाउंड इंटरस्ट, वह की हुंदा अपने को अमाउंट माइनस प्रिंसीपल, अमाउंट माइनस की हुंदा प्रिंसीपल हुंदा। सो अमाउंट की वैल्यू कितनी है 1389.4 माइनस 1200। अमाउंट दे विचों प्रिंसीपल नो की करांगे आपां माइनस करांगे, जदों माइनस करांगे तो सी आई की वैल्यू कितनी आ गई 189.4 रुपीस। ओके सो दैट इज अवर आंसर। तुसी आंसर चेक कर लियो, अमाउंट हो सकता कुछ डिफरेंट आए, मैं तो एक आइडिया लगा के लिखा है इन्ने आंसर आएगा। ओके तुसी इंदा कैलकुलेशन एग्जैक्ट चेक करनी। ओके ध्यान रखना है किन्ने साल है, 3 साल सी। रेट ऑफ इंटरेस्ट किन्ना 5% पर एनम, देखो पर एनम हाफ ईयरली ते क्वार्टरली इन्ना ही ध्यान रखना। जेदा पर एनम है तो कुछ भी चेंज नहीं करना, जे हाफ ईयरली लिखा या क्वार्टरली लिखा तो फिर आप फॉर्मूला थोड़ा जा चेंज करना पड़ेगा। वो किवें चेंज करांगे नैक्सट क्वेश्चन जो आएंगे उदो आप दसांगे। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 2। बी पार्ट दे विच की अपने को प्रिंसीपल गिवन है पी इक्वल टू 2500 रुपीस, रेट इक्वल टू 8% पर एनम, उस तो बाद टाइम गिवन है 3 ईयर्स। तुसी एन लिखो या टी लिखो नो प्रॉब्लम। ओके मैं इतने एन भी लिखता टी भी लिखता। ओके सो आप फॉर्मूले वैल्यू पुट करके नू कैलकुलेट कर दें। सो अमाउंट का दे इक्वल है P इंटू 1 + R/100 पावर N, यही आ गया अपने को। सो वैल्यू पुट करो सारिया 2500 इंटू 1 + 8/100 पावर की आ गई 3 आ गई। यही चीज़ आ गई अपने को पी 2500 है 1 एज इट इज, R की वैल्यू 8 डिवाइड बाय 100, N की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। हुण इहनू ऐड करो, मैं तुहानू किवें दस्सिया सी लास्ट वीडियो दे विच शॉर्टकट, उपर 100 ऐड कर दिया करो, कितना आ गया 108 डिवाइड बाय 100, पावर कितनी आ गई 3 आ गई। ये चीज़ आ गई अपने को, हम देखो पावर 3 है तेनों आप कितनी बार लिखांगे 3 बार। सो कितना आ गया 2500 इंटू 108/100, 108/100 इंटू 108/100, ये चीज़ आ गई। डबल जीरो नाल डबल जीरो की होगी कट होगी, सो बाकी की बचा मेरे को 25 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाय की आ गया अपने को 100 इंटू 100। ये चीज़ आ गई, जदों तुसी सारी कैलकुलेशन करोगे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो अपने को अमाउंट कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 3149.28 रुपीस। मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखिया, क्योंकि कैलकुलेशन के उपर काफ़ी टाइम वेस्ट होएगा। सो ये अपने को आ गया अमाउंट आ गया। हुण आपां की कैलकुलेट करना है सी आई, सी आई मीनस अमाउंट माइनस प्रिंसीपल, अमाउंट दे विचों प्रिंसीपल नू की कर दो माइनस। सो 3149.28 माइनस की आ गया अपने को 2500, जदों इहनू माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 649.28 रुपीस। ओके सो दैट इज द आंसर, इज दैट क्लीयर। पहला आप ही करना है अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा के सारी कैलकुलेशन करनी है, उतो अपने को अमाउंट आएगी, जब आप सी आई फाइंड करना है तो फिर अमाउंट के विचों प्रिंसीपल नो की करांगे आप सबट्रैक्ट करांगे। ओके तो ऐसे अपने को फर्स्ट पार्ट, नैक्सट वीडियो के आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करांगे।